2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में बिहार में विपक्षी पार्टियों की 23 जून को महाबैठक होने वाली है। वहीं इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है और इसी कड़ी में जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका के सवाल पर कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, न विपक्ष की गोलबंदी में है और न पक्ष की गोलबंदी में है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इससे देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी बिहार में विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो बिहार की जनता पर छोड़ना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। मेरी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि मैंने तो सारा काम ही छोड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो उनका, विपक्ष के गोलबंदी में आपकी भूमिका हो? मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं ना विपक्ष की गोलबंदी में ना पक्ष की गोलबंदी में। नीतीश कुमार जी ने जो काम लिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने, चाहे जिस फॉर्मेशन में हो, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। विपक्ष की गोलबंदी हो ना हो ये उनकी अपनी सोच है, मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ सकता हूं, थोड़ी बहुत जो राजनीति मुझे समझ जो अगर है, जो बिहार में अभी हुआ है, अभी विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता कर पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हालांकि अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद देखना होगा कि क्या इस बैठक के बाद देश की राजनीति में कोई फर्क पड़ता है और इस बैठक के बाद विपक्ष की क्या कुछ रणनीति होती है।